गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश के बाद शहर के बेशुमार खानदानों को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। शहर के नशीबी इलाके बिलखसूस गाड़ीपुरा और इससे मुतसिल इलाकों में रहने वाले सैकड़ों अफराद के घरों में पानी दाखिल हो जाने के बाद इनके रहने और खाने पीने के मसाइल पैदा हो गए। छोटे हो बड़े, बच्चे हो या बूढ़े, खवातीन हो या मर्द, इन तमाम को कुदरती आफात में बरवक्त मदद फराहम करने का काम साबिक कारपोरेटर अन्नू भाई और उनके साथी एम खान मोटर मैकेनिक की जानिब से किया गया। मुतासर अवाम को खाने और रहने की सहूलियात फराहम करने में साबिक कारपोरेटर अन्नू भाई और उनके साथी एम खान मोटर मैकेनिक ने अनथक मेहनत करके अवाम का दिल जीत लिया। मुतासर अफराद ने इनके खिदमात को देख कर ना सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि इन्हें दुआओं से भी नवाजा। बहुत जमाने से है, बहुत अब हमारा सामान ये हुआ, पानी से सब सामान अभी देखो पड़े हुआ है, कहाँ पड़े हुआ है। कोई पूछने हाल आया? कोई नहीं आया अभी तक, कोई आया नहीं पूछने को। खाने का कैसा चल रहा है? खाने का क्या चल रहा है? अन्नु भाई के तरफ से चाय हुआ है और उन्हें हमारी मदद करते रहता और करेंगा भी। और ये से पहले नगर पालिका के लोग आए थे, पैसे दिए क्या? मिले कुछ भी नहीं मिला, एक रुपया नहीं मिला। लिख के ले गए थे? लिख के ले गए, सब मायना करके गए, घर में डूब के पड़ा, अभी भी घर डूब के पड़े हुआ है, कोई ने एक रुपया नहीं दिया। हाँ, काफी घरों में नुकसान, बहुत पानी है, बहुत नुकसान हुआ घरों में, कुछ भी कोई ने दिया नहीं, कोई भी देखे नहीं। अन्नू भाई ने खाना दिए थे और अभी भी अन्नू भाई बांट रहे। सामान्य से लोग आया, 30-30, 40-40, 50-50 साल से यहाँ छह लोग नहीं नहीं घर लिए वाले है, जातिया घर है सबके, और कोई किराएदार भी है। कुछ खाने का इंतजाम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं दिए, कोई ने कुछ नहीं दिए, कोई ने कुछ नहीं करे। गली के हमारे बच्चे कर रहे काम, सब सब ये बच्चे कर रहे। अन्नू भाई की तरफ से खाना आया, उस दिन भी आया था, अभी भी आया। अरे दूसरे लोग का कोई आके देखे नहीं, कुछ पूछे नहीं, कुछ जानकारी लिए नहीं। नगर सेवक का भी है काफी है ना, नहीं आए, कोई भी नहीं आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात बतलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं जब खाना खाते बैठा था उस टाइम के ऊपर वार्ड के लोग आए और आके बोले, अन्नू भाई हमको कल शाम को 4 बजे तक स्कूल में थे, हमारे घरों में पहले भी पानी घुस गया था और अभी भी पानी घुस गया, और तुम देख रहे हो हमारे क्या नुकसान होता है। ईसा बेकरी वाला है, उसके 3 बकरियां मर गए, वो आयु मंग के खाता, उसके बेचारी उसकी माँ मंगती, वो लोग घर में खाते, उसका पूरा घर बैठ गया। तो बोलने का मकसद ये कुदरती आपदा है, ये कुदरती आपदा के अंदर जो तकलीफ़ें लोगों को उठानी पड़ रही है, आप जैसा कि मुझे कल के टाइम पे बताए कि 4 बजे के टाइम के ऊपर खाना मिला, मैंने आते आते अभी क्या बोलते थे तहसीलदार साहब के ऑफिस को भी कहा था तहसीलदार साहब से मिलने को, मैंने तहसीलदार साहब दिगलूर के इलेक्शन के उसके निवेदन में लगे आए थे, तो तहसील ऑफिस से वापस आने के बाद हनुमान मंदिर के सामने आया, वहाँ हमारे डिप्टी इंजीनियर अंधारे साहब थे और हमारा वार्ड का जो चपरासी है उसका नाम आमटवार है, वो आमटवार को और उनको दोनों को बतलाया कि भाई मैं बोला जो प्रशासन के तरफ से जो मदद आ रही है वो मदद कल 4 बजे तक नहीं पहुँची है। तो बोले अन्नू भाई देखो, बोले आप ये क्या बोलते, मला डेढ़ बज रहा अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा कुछ, तो बताए देखो। बोले अन्नू भाई ये पूरी और भाजी लाए, और पूरी और भाजी ला के आप तकसीम कर रहे। तो मैंने उसके पहले ही एक कुंटल का आधे कुंटल का क्या बोलते थे दम देने लगा दिया था, क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, मेरे अगर से परिस्थिति रही तो मैं वार्ड के लोगों के लिए जो करना चाहता हूँ, मेरे दिल में जो आता वो करता हूँ। तो उसी नोयत के ऊपर मैंने ये तमाम कहानी सुनने के बाद, मेरे नांदेड़ शहर में एक यम खान बोल के मोटर मैकेनिक है और उनके अल्लाह के करम से गैरिजा वगैरह है, उनको मैंने बतलाया कि भाई मेरे वार्ड के अंदर जो है तमाम ऐसी ऐसी परिस्थिति चल रही और बोर गरीब लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, उनको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा। तो उन्होंने यम खान साहब ने, उनका नाम महबूब भाई है, उनका नाम यम खान के नाम से पहचानते, उन्होंने बोले अन्नू भाई क्या बनाने का है बनाओ, मैं जो भी पैसा लगता मैं वो सब देता हूँ। तो उन्होंने जो है बेचारों ने 95 पैसे जो है उनके खुद के, 5 पैसे मेरे खुद के। मैं ये एक तुम्हारे टीवी के माध्यम से ये बतलाना चाह रहा हूँ, ये मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ मेरा 25% शेयर से 20%, मुझे शेयर्स का कोई मतलब नहीं, मैं 5% जो मैंने जो किया मैं वही बताऊँगा, जैसा कि मैंने पहले भी किया था लॉकडाउन के अंदर
150 थैले जो वाटअप हुए थे वो 150 थैले अली सरदे ने भेजा, वो वाटअप किया बोल के मैंने बताया था। तो उसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ, मैं गाड़ीपुरे का, छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह, फतेहपुर, जो भी एरिया का, यानी कि गाड़ीपुरे के अलावा जो भी एरिया है, फतेहपुर होगा, बालगिर महाराज का मठ होगा, हनुमान मंदिर हो गई, जहाँ कहीं भी ये, जैसा खड़गपुरा होगा, सैलाब नगर होगा, जहाँ कहीं भी ये जो भी गवर्नमेंट ये नुकसान हो रहे हैं, मेरी ये अदबन गुजारिश है, अदबन गुजारिश है कांग्रेस की सरकार से, उद्धव राव जी की सरकार से, राष्ट्रवादी की सरकार है यहाँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये भोर गरीबों के लिए मदद करो कि अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होंगी। ये वजह से मैं ख़ास तौर से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमको टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, टाइम टू टाइम गोलियाँ खाते हम, टाइम टू टाइम खाना खाते, उसी तरीके से ये जो लोग इस बात के इस आपदा में परेशान हैं, तो उनको भी टाइम पे टाइम खाना मिले और उनकी जो नुकसानात हुए वो नुकसानात को पूरे तरीके से हमारे एक हाथ की सरकार है, वो सरकार ने, हमारे महापौर साहब ने, हमारे क्या बोलते हैं आमदार साहब ने, और हमारे पालक मंत्री, हमारे MLC अमर राजूरकर साहब, हमारे महाजी पालक मंत्री DP सावंत साहब, ये साहब से और नरेंद्र चौहान साहब से दरख्वास्त है कि भाई हमारे वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाए। इतना कहते मैं दो हाथ जोड़ के आपसे नम्र विनती करता हूँ कि गाड़ीपुरे को मदद पहुँचाइए। गाड़ीपुरा वाखिरतन मुस्तकों का एरिया है, जो मुस्तक है उन तक मदद पहुँचाइए।